हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। जेपीएससी के द्वारा आज आयोजित प्रीलिम्स परीक्षा में जीएस पेपर वन में कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गए जिनको लेकर स्टूडेंट्स के बीच में असमंजस की स्थिति है, विवाद की स्थिति है उन प्रश्नों को लेकर। तो उन्हीं प्रश्नों को लेकर हम उपस्थित हैं। इस तरह के प्रश्नों की संख्या 4 से 5 के बीच में है। पहला प्रश्न है, आधुनिक भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। स्वदेशी आंदोलन, लखनऊ समझौता, मोरले मिंटो सुधार, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। अब देखो, स्वदेशी आंदोलन 1905 में, मुस्लिम लीग 1906 में, मोरले मिंटो सुधार 1909 में, लखनऊ समझौता 1916। तो इस हिसाब से अगर आप इसको मैनेज करोगे तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए 1905, इसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना यानी कि डी, इसके बाद मोरले मिंटो सुधार यानी कि सी, और बी यानी कि सही। इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए डी सी और बी, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है। तो इस हिसाब से या तो इस प्रश्न को कैंसिल किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा, या तो फिर सारे बच्चों को बोनस अंक दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रमाणीय बिजली घर और राज्य का मेल गलत है। गलत पूछा गया है, काकरापार गुजरात, कुंडमकुलम तमिलनाडु सही है, कैगा उत्तर प्रदेश गलत है, कैगा कर्नाटक में है, कल्पक्कम कर्नाटक में ना होकर तमिलनाडु में है। तो इसी हिसाब से बी सी और डी दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। तो इस प्रश्न को लेकर भी विवाद है, इसे भी आयोग डिलीट कर सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को गलत नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो दिए हुए ऑप्शंस हैं उसमें से आपको बताना है कि सबसे अधिक कौन है। वैसे आप अगर ओवरऑल सर्वाधिक की बात करते हो तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक जो है कुंडमकुलम की है, लेकिन वो आपके ऑप्शंस में नहीं दिए गए हैं। तो दी चूँकि निम्नलिखित में से पूछा गया है, इसलिए कुछ लोगों को विवाद है इस प्रश्न को लेकर, लेकिन मेरे हिसाब से विवाद नहीं होनी चाहिए इस प्रश्न को लेकर। बी इसका राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि तारापुर दूसरे नंबर पर आता है। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। वर्तमान अध्यक्ष जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा हैं, जो कि ऑप्शन में उपलब्ध नहीं है। और यहाँ पर चूँकि वर्तमान शब्द पूछा गया है, तो इसलिए आप बच्चे से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो जब पेपर सेट हुआ था उस समय के जो अध्यक्ष थे उन्हें वो सही करेगा। तो इस प्रश्न को भी डिलीट किया जाएगा। बीपीएससी में भी ऐसा हुआ था, कैग को लेकर एक प्रश्न पूछा गया था एपीओ की परीक्षा में, बाद में उस प्रश्न को डिलीट किया गया था। तो ये 4 प्रश्न थे जिस पर विवाद है। अगर आपके भी नज़र में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या इन प्रश्नों पर कुछ आपके अलग व्यू हो तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में जाहिर कर सकते हैं। धन्यवाद।